हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे एचके एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इकोलॉजी के बारे में। तो इकोलॉजी को क्या बोला जाता है पारिस्थितिकी हिंदी में? तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पारिस्थितिकी क्या होता है, पारिस्थितिकी जो टर्म है वो कहाँ से ली गई है, किसने इसको प्रपाउंड किया है। इसके बाद जो आपका पारिस्थितिकी पदचिन्ह है या फिर इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट है वो क्या होता है, तो मेन टर्म्स यहाँ पे हम जानेंगे, कोशिश करेंगे कि इकोलॉजी हमें यहाँ पे आज समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोलॉजी टर्म की। तो इकोलॉजी जो टर्म है ये किसने कॉइन किया है? अर्न्स्ट हैकल ने। और अर्न्स्ट हैकल ने ये कब दिया था? 1869 में। आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और काफी बार पूछ भी लिया जाता है कि पारिस्थितिकी जो शब्द है या फिर इकोलॉजी जो टर्म है वो किसने दी है? अर्न्स्ट हैकल ने दी है। अर्न्स्ट हैकल कौन थे? ये जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, इसके साथ साथ ये आर्टिस्ट भी थे और काफी जो अदर एरियाज हैं उनमें भी इनका स्पेशलाइजेशन रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर आप देख रहे होंगे, ये कौन है आपके? अर्न्स्ट हैकल है। इन्होंने ही सबसे पहले टर्म दिया था इकोलॉजी या फिर पारिस्थितिकी, और इन्होंने ये टर्म कब दिया था? 1869 में या फिर 1869 में ये टर्म दिया था। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि पारिस्थितिकी होता क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल होम। सबसे पहला ये क्या कहता है कि पारिस्थितिकी जीवों का उनके प्राकृतिक घर के रूप में अध्ययन करता है। यानी क्या है कि कोई भी एक, जैसे अगर हम बात करें हिमालयन माउंटेन्स की, तो हिमालयन माउंटेन्स जो है, ये हिमालयन माउंटेन्स इसमें अगर हम जीवों का अध्ययन करते हैं तो वो क्या है, हिमालयन माउंटेन क्या है? होम है वहां के जीवों का, और उसको क्या कहेंगे? वहां की इकोलॉजी कहेंगे। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या है आपका, वहां पर अगर हम जीवों का अध्ययन कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न जो हिल्स है वो क्या होगा? जीवों का घर होगा वहां पे। तो एक पर्टिकुलर प्लेस पर जब हम क्या करते हैं, लिविंग जो आपके ऑर्गेनिजम्स है या फिर जीवों का हम अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका? पारिस्थितिकी कहलाता है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट ये क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी और क्या क्या है? इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशंस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें क्या है, ये रिलेशन की बात कर रहा है, संबंध की बात कर रहा है किसके बीच में? नंबर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, और दूसरा नंबर क्या है, एक दूसरे से संबंध, एंड देयर नेचुरल एनवायरमेंट। तीसरा क्या है, नेचुरल एनवायरमेंट। अब यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्या बात कर रहा है, कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट दूसरी वाली जो है वो क्या कह रही है कि इकोलॉजी जो है उसमें क्या आता है, ऑर्गेनिज्म आता है या फिर क्या है, जीव आते हैं। इसके बाद ये ऑर्गेनिज्म उनका रिलेशनशिप किसके साथ, या फिर संबंध किसके साथ, जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जो अन्य जीव है उनके साथ। दूसरा किसके साथ रिलेशनशिप बताता है, नेचर या फिर नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ। तो यहाँ पे इसका क्या है, एक चक्र बनता है, यानी ये क्या है, ऑर्गेनिज्म जो है, जो इकोलॉजी है। तो सबसे पहले हमने देखा कि पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि इकोलॉजी क्या है, जीवों के उनके प्राकृतिक घर में अध्ययन है, यानी जो नेचुरल एनवायरनमेंट पे वो रह रहे हैं उसके अंदर जब हम अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका, पारिस्थितिकी कहलाता है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि पारिस्थितिकी में क्या किया जाता है, हम रिलेशनशिप को देखते हैं, और वो रिलेशनशिप किसके बीच में होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी जो जीव होते हैं उनका अन्य जीवों के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप है, दूसरा उनका अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है, तो इसको भी क्या करते हैं, हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो क्या है, यह उन संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह उन साइंटिफिक स्टडी पर जोर देता है जिसमें क्या करते हैं, हम एक जीवित जीव दूसरे जीवित जीवों के साथ रिलेशनशिप रखता है, और दूसरा क्या है, उनका जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका जो पारिस्थितिकी तंत्र है
उसके साथ उसका कैसा रिलेशनशिप है उसकी भी बात करता है। क्योंकि देखो जब हम किसी दूसरे जीव से जुड़ते हैं, मैंने यहाँ पे भी बताया था आपको कि जब हम दूसरे जीवों से जुड़ते हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं, अपनी एनर्जी भी लगाते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी में थोड़ा डिफरेंस है, जब हम आगे देखेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट अब आपका आता है कि यहाँ हमने बात की ये उन संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है जो जीवित जीवों के एक दूसरे के साथ और उनके प्राकृतिक पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र के साथ होते हैं। तो इनमें हम रिलेशनशिप का भी अध्ययन करते हैं, इसमें नेचुरल जो उनका होम है या नेचुरल उनका हैबिटेट है उसी के अंदर अध्ययन करते हैं। तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है इकोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक को पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना इकोसिस्टम टर्म यहाँ पे आई है। इकोसिस्टम टर्म जो है वो सबसे पहले किसने दी थी, टांसले ने दी थी। आपको ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा जाता है। टांसले महोदय ने सबसे पहले इकोसिस्टम टर्म दी थी और इकोलॉजी टर्म किसने दी थी, अर्नेस्ट हैकल ने दी थी। तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखना है कि किसने इकोसिस्टम दिया है, किसने इकोलॉजी वर्ड दिया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे लेवल देखते हैं कि जो पारिस्थितिकी है ये कितने लेवल को रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर क्या है, व्यक्तिगत जीव। अब व्यक्तिगत जीव क्या है, पर्यावरण द्वारा व्यक्ति कैसे प्रभावित होते हैं और बदले में पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। अब मैंने आपको फर्स्ट जो अपना लेक्चर था उसमें मैंने आपको डिटर्मिनिज्म के बारे में बताया था, पॉसिबिलिज्म के बारे में बताया था, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था वहां पे कि पहले सबसे पहले जब शुरुआत थी तो मानव ने पृथ्वी के साथ या पर्यावरण के साथ कैसे इंटरेक्शन करना शुरू किया, कि पर्यावरण पहले मानव पर हावी थी। फिर उसके बाद पॉसिबिलिज्म जब आया तो उसमें कहा गया नहीं, पर्यावरण पर भी क्या है, मानव अपना प्रभाव डालता है। तो यहाँ पे क्या है, उसके बाद मैंने न्यू डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट भी आपको बताया था। तो यहाँ पर ये सिंपल सी बात कह रहा है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या फिर व्यक्तिगत जीव होगा पहले पे, जो क्या करेगा, अपना पर्यावरण पर प्रभाव भी देखेगा और दूसरा पर्यावरण उस पर कैसे प्रभाव डाल रही है उसको भी देखेगा। दूसरा क्या है, वहां पॉपुलेशन या फिर जनसंख्या। तीसरा क्या है, कम्युनिटी या फिर समुदाय। तो ये तीन लेवल है हमारे इकोलॉजी के, पहला इंडिविजुअल लेवल, दूसरा पहला क्या है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, दूसरा क्या है दी पॉपुलेशन और तीसरा क्या है दी कम्युनिटी, या फिर पहला क्या है व्यक्तिगत जीव, दूसरा क्या है जनसंख्या, तीसरा क्या है समुदाय। तो यहाँ पे ये तीन लेवल आपको ये याद रखने हैं, तीनों लेवल कौन से हैं। इसके बाद हम चलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, आपको ध्यान रखना है। जब क्या करा, हमारा जो इकोलॉजिकल मिसबैलेंस है इसको अगर हमें देखना है या फिर हमें देखना है इकोलॉजिकल रिच जो आपके रीजन है वो कौन से है, या फिर इकोलॉजिकल रीजन ऐसे कौन से है जो क्या है अब खत्म होने जा रहे हैं या फिर वो बहुत खराब कंडीशन में है, तो उसके लिए हमें एक मेजरमेंट चाहिए होगा। अब उस मेजरमेंट को हम कैसे देखेंगे, तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से हम उस मेजरमेंट को देखेंगे। अब यहाँ पे एक मेजर ह्यूमन कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। अब ये क्या है, मानव द्वारा जो पर्यावरणीय जो संसाधन है उनका जो उपयोग किया जा रहा है, उनका उपभोग किया जा रहा है उसको मेजर करता है, इन कंपैरिजन टू द अर्थ इकोलॉजिकल कैपेसिटी टू रीजेनरेट देम। अब ये पृथ्वी पर उन्हें पुनर्जीवित करने की पारिस्थितिकी क्षमता की तुलना में प्राकृतिक संसाधनों के मानव के उपभोग को मापता है। अब यहाँ पे देखो, हर पृथ्वी की अपनी क्या है, रीजेनरेट कैपेसिटी है। ऐसे ही क्या है, रिवर अपने आप को साफ कर सकती है, पवन अपने आप को साफ कर सकती है, और जितने भी आपके वायुमंडल में गैसेस विद्यमान है वो अपने आप को क्या है एक पर्टिकुलर टाइम में अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर हम उसका ज्यादा दोहन करते रहेंगे तो उनकी एक लिमिट टाइम पीरियड होता है, इतने टाइम पीरियड में वो क्या कर सकते हैं, उसको अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसकी क्षमता से भी ज्यादा कंजप्शन करेंगे या उपभोग करेंगे तो क्या होगा कि मिसबैलेंस होगा। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या दिखता है कि हमारी पृथ्वी की या हमारी जो इकोलॉजिकल जो रिसोर्सेस हैं या फिर इकोलॉजिकल जो कैपेसिटी है हमारी पृथ्वी की वो अपने आप को
कैसे रीजनरेट कर लेती है उसके संदर्भ में हम क्या देखते हैं कि ह्यूमन जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका कितना कंजम्पशन कर रहा है, उसका यानी अपने जो उसकी रीजनरेट पावर है उससे ज्यादा कंजम्पशन कर रहा है तो प्रॉब्लम है उसके लिए, अगर रीजनरेट जो पावर है उससे कम कंजप्शन कर रहा है तो ये क्या है इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखता है। अब यहाँ पे क्या है कैलकुलेशन ऑफ द फुटप्रिंट टेक्स इनटू अकाउंट अवर कंजप्शन हैबिट बोथ एट। अब यहाँ पे जो इसका कैलकुलेशन है फुटप्रिंट का ये दोनों तरीके से हम देखते हैं, किस लेवल पे देखते हैं, माइक्रो लेवल पे यानी इंडिविजुअल जो ह्यूमन है या फिर इंडिविजुअल कोई भी जीव है वो किस तरीके से प्रभावित कर रहा है हमारे अर्थ इकोलॉजिकल कैपेसिटी को। दूसरा हम देखते हैं मैक्रो लेवल पे जिसमें हम देखते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है या कोई भी एक क्या है क्षेत्र है या फिर नेशनल लेवल पर या फिर एक नेशन है एक देश है एक राष्ट्र है तो उस स्तर पर भी क्या है आपका इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो ठीक है या नहीं है, यानी अर्थ की जो केयरिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा तो रिसोर्सेज का दोहन नहीं हो रहा है तो इसको कौन देखता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट देखता है। तो दो तरीके से हम इसको देखते हैं, एक माइक्रो लेवल पे जिसमें हम इंडिविजुअल लेवल लेते हैं, उसके बाद मैक्रो लेवल जिसमें हम एरिया या फिर आपका नेशन वाइज लेते हैं। अब यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिख रही होगी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मेजर्स की, तो यहाँ पे आपको एनर्जी दिख रहा होगा, सेटलमेंट दिख रहा होगा, टिम्बर एंड पेपर दिख रहा होगा, फूड एंड फाइबर दिख रहा होगा और सी फूड दिख रहा होगा। अब यहाँ पे कंपेयर टू हाउ फास्ट नेचर कैन एब्जॉर्ब अवर वेस्ट एंड जनरेट न्यू रिसोर्सेज। अब यहाँ पर आपको कार्बन फुटप्रिंट दिख रहा होगा, बिल्ट अप एरिया दिख रहा होगा, फॉरेस्ट दिख रहा होगा, क्रोपलैंड एंड पास्चर्स दिख रहे होंगे और फिशरीज दिख रहा होगा। फिशरीज से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, फिशेस प्राप्त हो रही है। अब हम ज्यादा अगर क्या है फिशरीज या फिर हम मत्स्य का ज्यादा दोहन करेंगे तो आपका एक्वेटिक जो रिसोर्सेज है वो मिसबैलेंस होगा, ये वहां का जो इकोलॉजी है वो मिसबैलेंस होगा। अगर हम सेटलमेंट इतना ज्यादा कर रहे हैं, पेड़ों को काटे जा रहे हैं तो उससे हमारा क्या है कार्बन जो फुटप्रिंट है वो काफी प्रभावित होगा। इसी तरीके से एनर्जी रिसोर्सेज है उसका हम ज्यादा दोहन कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए क्या है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये है इकोलॉजी फुटप्रिंट्स के कुछ मेजर्स। अब आगे देखते हैं हम कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है एट प्रेजेंट टाइम में। सबसे पहला इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एजुकेट पीपल अबाउट द नीड टू चेंज अवर कंजप्शन बिहेवियर टू मेक इट मोर सस्टेनेबल। यानी क्या है कि हमारा जो कंजप्शन बिहेवियर है या फिर हमारा जो व्यवहार है चीजों के उपभोग को लेकर उसको उसके बारे में शिक्षित करना लोगों को या फिर उसके रिसोर्सेस के यूजेस को क्या है इस तरीके से लेना कि भावी पीढ़ी भी उसका सही तरीके से उपयोग कर सके और पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे, तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ी हमारे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की जरूरत पड़ी। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है सस्टेनेबल तरीके से विकास करने के लिए भी हमें क्या है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की जरूरत पड़ी है। अब यहाँ पर दूसरा क्या है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज मेजर इन ग्लोबल हेक्टेयर्स। अब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को किससे मापा जाता है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, वैश्विक हेक्टेयर या फिर ग्लोबल हेक्टेयर GHA, यहाँ पे टर्म दी गई है GHA, ग्लोबल हेक्टेयर इसको बोलते हैं, तो इससे हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मापते हैं। तो इसकी जो इकाई है वो कौन सी है, ग्लोबल हेक्टेयर है जिसको क्या लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में GHA लिखा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके दो ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेट करना लोगों को कि हमारा जो कंजप्शन बिहेवियर है हम अपने कंजप्शन बिहेवियर को इस तरीके से बनाएं कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल तरीके से हो सके। जैसे अगर हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम सुबह सुबह उठकर टूथब्रश कर रहे हैं, अब टूथब्रश के टाइम में हम क्या करते हैं टैप को ऑन छोड़ देते हैं और उससे क्या है जो आपका बाकी टाइम जब आप टूथब्रश कर रहे हैं उस समय क्या होता है कि पानी आपका व्यर्थ जा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं प्रेजेंट सिनेरियो की कि हमें बर्तन धोने, तो बर्तन धोने के लिए भी हम टैप का यूज करते हैं। अब उस टैप को तब तक खोले रखते हैं जब तक क्या है हम बर्तन घिस भी रहे हैं धो भी रहे हैं तो उसमें काफी ज्यादा पानी जो है वो वेस्ट होता है। इसी तरीके से क्या है हम डेली की या रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि काफी सारे रिसोर्सेस का हम क्या है धड़ल्ले से जो उसका उपभोग है कंजप्शन है वो कर रहे हैं जो इन फ्यूचर हमारे प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर सकता है। तो इसी के लिए हमें जरूरत पड़ी है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को
मेजर करने की, और इसको किस में मेजर किया जाता है, ग्लोबल हेक्टेयर में मेजर किया जाता है। इसके बाद आज की वीडियो में हमने देखा कि आपके इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स है उसमें हम क्या क्या मेजर लेते हैं, एनर्जी हो गया, सेटलमेंट हो गया, टिम्बर एंड पेपर, फूड एंड फाइबर, सी फूड हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कार्बन फुटप्रिंट है, बिल्ट अप लैंड है, फॉरेस्ट है, क्रॉप लैंड एंड पास्चर्स एंड फिशरीज है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की हमने बात की, तो ये एक मेजरमेंट है जब हम इकोलॉजी को मापते हैं, या तो हम उसमें क्या देखते हैं कि ह्यूमन कितना कंजप्शन कर रहा है, या मानव कितना नेचुरल रिसोर्सेज का कंजप्शन या उपभोग कर रहा है उसकी अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से, या फिर उसकी री आपका जेनरेट करने की कैपेसिटी के अनुसार कितना जो मानव है उसका उपभोग कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, तो उसको क्या कहा जाता है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा यहाँ पे कि इसके लेवल कौन कौन से आपके इकोलॉजी के, तीन लेवल है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स है, दूसरा पॉपुलेशन है, तीसरा कम्युनिटी है। इसके बाद हमने यहाँ पे बात की है आपके कि इकोलॉजी किसे कहते हैं, तो हमने पहले जो इसका एक टर्म क्या कहती है कि पारिस्थितिकी में जीवों के उनके प्राकृतिक घर में अध्ययन है, यानी क्या है, जहां पर वो रह रहे हैं नेचुरल एनवायरमेंट में, वहीं पर जब हम जीवों की स्टडी करते हैं उसको क्या कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। फिर हमने देखा कि ये क्या बात बताता है कि ये साइंटिफिक स्टडी है जिसमें क्या है, जीवित जीव जो है अपने से दूसरे जीवित जीवों के साथ क्या है रिलेशनशिप बनाता है, या फिर उस संबंध को दर्शाता है। दूसरा क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है उसका भी अध्ययन हम इकोलॉजी में करते हैं। इसके बाद इकोलॉजी को डिफाइन किया जाता है किसके, पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन के रूप में। अब पारिस्थितिकी तंत्र अध्ययन के रूप में हमने यहाँ पे बात भी की थी, ये टर्म किसने दिया आपको ध्यान रखना है, एजी टांसले ने यह टर्म दी है। इसके बाद हमने बात की थी कि इकोलॉजी की, कि इकोलॉजी जो टर्म है ये किसने कॉइन की है, तो इकोलॉजी जो टर्म है ये हंस हेकल ने 1869 में कॉइन किया, यह इसकी उत्पत्ति हुई, और ये जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। इसके साथ साथ ये और भी जो उनके विषय है उसमें महारत हासिल उन्होंने की हुई थी, ये आपके अंश हेकल है। और यहाँ पर आपका इकोलॉजी जो टर्म है और उससे रिलेटेड जो उसके मेजरमेंट है उसका खत्म होता है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे एच के अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी पेपर वन की अच्छे से तैयारी कर सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।